नमस्कार। चीन से फैले जानलेवा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 1600 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले उसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। इसके लक्षण कुछ कुछ फ्लू से मिलते जुलते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस बीमारी के प्रकोप को देखते हुए WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी अर्थात पेंडेमिक घोषित कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है। चूँकि इस वायरस का इलाज आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है, इसलिए हमें इससे बचने के लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। महान पंडित आचार्य चाणक्य ने कोरोना जैसी महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए कुछ आसान उपाय सुझाए हैं। इनका पालन कर हम खुद का बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या हैं ये उपाय। पहला उपाय, सुरक्षा के उपायों का पालन करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार महामारी के दौरान विशेषज्ञों द्वारा जो भी सुरक्षा के उपाय लोगों को बताए जाते हैं, उन्हें उन सबका पालन अच्छे से करना चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों को इन उपायों के बारे में दूसरे व्यक्तियों को भी जागरूक करना चाहिए। कोई भी देश अपने देशवासियों के सहयोग से ही महामारी जैसी स्थिति से आसानी से निपट सकता है। दूसरा उपाय, स्वच्छता का ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य के अनुसार महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व काफी बढ़ जाता है। चाणक्य का मानना था कि स्वच्छता एक ऐसा हथियार है जिससे महामारी दूर भागती है। तीसरा उपाय, पौष्टिक आहार। आचार्य चाणक्य का मानना था कि कोई भी बीमारी व्यक्ति को तभी अपना शिकार बना सकती है जब उससे लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित पौष्टिक आहार लेना चाहिए। चौथा उपाय, अनुशासित जीवन शैली। महामारी के दौरान व्यक्ति को आलस छोड़कर अनुशासित जीवन जीना चाहिए। इसके लिए उसे समय पर खाना और सोना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम को भी अपने दैनिक कार्यों में शामिल करना चाहिए। संकट की स्थिति में कठोर जीवन शैली व्यक्ति को महामारी के प्रभाव से बचाने में मदद करती है। पांचवा उपाय, घर से बाहर ना निकलना। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि किसी देश में महामारी का खतरा बढ़ जाता है तो वहाँ के लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। महामारी के दौरान घर पर ही रहना श्रेयस्कर माना जाता है। जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें संक्रमित होने और फिर दूसरों को संक्रमित करने का खतरा बढ़ जाता है। छठा उपाय, अफवाहों पर ध्यान ना दें। चाणक्य के अनुसार जब कोई महामारी फैलती है तो उसके साथ उतनी ही तेजी से फैलती है अफवाहें। हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही अफवाह को फैलाना चाहिए। अफवाहों से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अंधविश्वास से भी दूर रहना चाहिए, नहीं तो कई पाखंडी लोग आपको इस समय में धोखा भी दे सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को इस महामारी के प्रकोप से बचा सकते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।